आज रेशियो का सेकंड क्लास है, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व होंगे उसका सेकंड क्लास है। तो कल हम लोगों ने 7 क्वेश्चन पूरे किए थे, 7 या 8 क्वेश्चन कल हुए थे टाइम एंड डिस्टेंस के, ऐसे क्वेश्चन जो रेशियो सॉल्व होंगे। ठीक बच्चों, तो जिस क्वेश्चन पे कल हम लोग थे वहीं से शुरू करें। तो कल जो थे हम लोग क्वेश्चन, कल जो क्वेश्चन चल रहा था वो ये था बच्चों। एक व्यक्ति, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है देखो, एक व्यक्ति, हाँ, एक व्यक्ति एक वृत्ताकार खेल के मैदान को अगर व्यास के अनुदिश डायमीटर के हिसाब से पार करता है तो वृत्ताकार पथ की अपेक्षा 2 मिनट अधिक समय लगता है। ये कह रहा है, अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 15 सेकेंड में 30 मीटर दूरी तय करता है तो वृत्ताकार मार्ग की रेडियस क्या होगी? ठीक बच्चों, क्वेश्चन क्या है, एक आदमी जो है, अच्छा बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। एक आदमी जब एक पार्क में वृत्ताकार खेल के मैदान में व्यास के अनुदिश डायमीटर के लॉन्ग चलता है तो यहां पहुंचने में, और अगर वो एक तो डायमीटर के हिसाब से पहुंचता है और दूसरा वृत्ताकार पथ पे पहुंचता है, मतलब इस तरह से पहुंचता है, तो दोनों केस में बच्चों यहां पर समय ज्यादा लगेगा क्योंकि वो इतना घूम के जा रहा है और यहां पे सीधे जा रहा है इसलिए समय कम लगेगा। तो एक स्थिति ये वाली है और दूसरी स्थिति ये वाली है, और 15 सेकेंड में 30 ये बाद में देखा जाएगा, पहले इस पॉइंट को इग्नोर कर दो, सिर्फ ये देखो, ध्यान देना बच्चों, सिर्फ ये 15 सेकेंड में 30 मीटर इसको इग्नोर कर दो, ये बाद में काम आएगा। खाली ये देखो कि समय का अंतर कितना है, बताओ 2 मिनट, यही तो बोलो, जब वो यहां से यहां जाएगा और जब ऐसे जाएगा बच्चों, ऐसे जाएगा और जब ऐसे जाएगा तो यहां पर वो कितनी दूरी चलेगा, पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, ये पाई आर आ जाएगी ना, जो आधा आधी परिधि है ना, और ये क्या है बताओ, ये आर है, ये भी आर है, तो ये पूरा डायमीटर हुआ, डी हुआ, और डी कितना हो गया बताओ, 2 आर हो गया। ठीक बच्चों, तो एक कंडीशन में वो यहां से यहां गया है, दूसरी कंडीशन में यहां से यहां गया है, दोनों बार वो एक ही जगह पे पहुंचा है। तो अब बताओ बच्चों, जब वो यहां से यहां गया था और जब वो यहां से यहां गया है, दोनों कंडीशन में चाल तो सेम थी ना, तो बोलो क्या कहोगे, चाल फिक्स है। ठीक बच्चों, स्पीड फिक्स है उसकी और चाल फिक्स है, साथ ही साथ दूरी का रेशियो बन रहा है, दूरी का रेशियो बना। कल वाला वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, है ना, कल वाले वीडियो में जो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन डाउनलोड हो गया है उसे देख लेना, तो वहां पे पूरी फंडामेंटल देखे बिना नहीं समझ में आएगा, है ना। तो आप देखो, चाल फिक्स है और दूरी का रेशियो बना, तो आप बताओ बच्चों, यही दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए थी कि एक टर्म फिक्स होना चाहिए और एक टर्म का रेशियो बनना चाहिए। अब बताओ दूरी, तो ये सवाल निश्चित रूप से रेशियो साल हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, दूरी का रेशियो क्या बना, एक बार दूरी कितना चला बताओ, पाई आर, और दूसरी बार दूरी कितना चला बताओ, 2 आर, तो रेशियो बना पाई आर रेशियो 2 आर, पाई आर रेशियो 2 आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 22/7 रेशियो 2 करोगे तो ये कट के क्या बन जाएगा बच्चों, 11, ये 11 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो बोलो दूरी का रेशियो जो बना बच्चों वो क्या बना बताओ, 11 और 7 का रेशियो बना दूरी का। इतना फिर से सुनो, जब वो यहां से यहां जा रहा है या यहां से यहां जा रहा है, दोनों कंडीशन में क्या हुआ बताओ, चाल फिक्स है। अब दूरी का रेशियो बन जा रहा है कैसे बच्चों, जब यहां से यहां गया तो पाई आर चला और जब ये सीधे गया तो डायमीटर चला यानी 2 आर चला, तो दूरी का रेशियो क्या बन गया बताओ, 11 और 7 का। कल रूल बताया गया था कि अगर चाल फिक्स है तो बोलो बच्चों, जो दूरी का रेशियो होगा
वही समय का होगा, जो समय का रेशियो होगा वही दूरी का होगा। क्या बताया गया था जल्दी से सुनो, क्या बताया गया था बच्चों कि अगर चाल फिक्स है, चाल फिक्स है तब समय का रेशियो अगर ए बी है तो बोलो बच्चों दूरी का रेशियो भी ए बी होगा, ये कल बताया गया था। अब ये इसमें क्या कहा गया था कि ये नियम वाइस वर्सा में सही है, मतलब अगर ये गिवन है तो ये होगा और ये गिवन है तो ये होगा। अभी क्या गिवन है बच्चों, अभी क्या गिवन है बताओ, चाल फिक्स है साथ ही साथ दूरी का रेशियो गिवन है। क्या बना दूरी का रेशियो, बोलो 11:7 का ये दूरी का रेशियो बना। अब बोलो बच्चों अगर चाल फिक्स है दूरी का रेशियो ये बना तो यही किसका रेशियो होगा, यही समय का रेशियो होगा, यही समय का रेशियो होगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे समय, ये कौन सा समय है, ये कौन सा समय है बताओ, परिधि के हिसाब से, पेरीमीटर के हिसाब से चलने वाला समय है, और ये कौन सा समय है बच्चों, व्यास के अकॉर्डिंग, डायमीटर के अकॉर्डिंग चलने वाला समय है। अब बताओ इन दोनों समय में अंतर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 2 मिनट। बोलो इन दोनों समय में अंतर 2 मिनट का दिया है ना बच्चों, तो क्या कहेंगे बताओ, 4 बराबर 2 मिनट, 4 बराबर 2 मिनट, तो 1 बराबर आधा मिनट, 1 बराबर आधा मिनट, तो बोलो बच्चों 7 बराबर हो गया, 4 बराबर 2 मिनट तो 1 बराबर आधा मिनट, तो 7 बराबर 7 का आधा मिनट ये हुआ। अब बताओ बच्चों ये कौन सा समय आ गया, व्यास के अकॉर्डिंग पार करने का समय आ गया। ठीक है, जल्दी से सुनो, समय का रेशियो क्या बना था बच्चों, जो दूरी का रेशियो होगा वही समय का रेशियो होगा। समय में अंतर कितना दिया था, ये 11 समय कौन सा हुआ, ज्यादा वाला समय कौन सा हुआ, परिधि वाला, और कम वाला समय कौन सा हुआ बच्चों, व्यास वाला। अब यहाँ पे समय का अंतर कितना है, 4 बराबर 2 मिनट, तो 1 बराबर आधा मिनट, तो 7 बराबर 7/2 मिनट, यानी 3.5 मिनट ये हो गया। 3.5 मिनट का मतलब कितना बच्चों, 3.5 मिनट का मतलब हुआ 3 मिनट 180 हुआ, 180 होती 210 मिनट, 210 मिनट लगेगा, 200 सेकंड, 210 सेकंड लगेगा। अब बताओ बच्चों 210 सेकंड कौन सा समय हो गया, बोलो व्यास के अकॉर्डिंग चलने का समय हो गया 210 सेकंड। सब लोग समझ गए, अब आ जाओ क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यदि वह 15 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करता है, 15 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करता है, तब बताओ बच्चों यहाँ पर 210 सेकंड व्यास को प्यार करने पार करने में लगा है, तो बताओ बच्चों क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 2 सेकंड में क्या कह रहा था बच्चों, 15 सेकंड में 30 मीटर, 15 सेकंड में अगर वो 30 मीटर चलता है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा बोलो, 2 मीटर, तो 210 सेकंड में कितना चलेगा बच्चों, 420 मीटर, 420 मीटर क्या आ गया बोलो, डायमीटर आ गया। तुमसे डायमीटर पूछ रहा है कि रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 420 का आधा यानी कितना, 210। ये हो गया सवाल, फिर से सुन लो बच्चों पूरा सवाल, फिर से सुनो जल्दी से, अच्छा सवाल था ये, क्या कह रहा है बताओ, एक आदमी, पूरा जल्दी सुनना बच्चों है ना, एक आदमी यहां से चलना शुरू करता है, एक बार यहां से यहां पहुंचता है और एक बार यहां से यहां पहुंचता है, यहां से यहां पहुंचता है, यहां से यहां पहुंचता है, इन दोनों दूरियों में समय का अंतर कितना है, 2 मिनट, ये कहा गया। तो अब बताओ बच्चों दोनों कंडीशन में एक ही आदमी था तो चाल फिक्स है, साथ ही साथ दूरी का रेशियो बन जा रहा है, जब वो यहां से यहां जाएगा और जब वो यहां से यहां जाएगा दूरी का रेशियो क्या बन जाएगा, एक बार पाई आर होगा, एक बार डायमीटर यानी 2r होगा। अब रेशियो बन गया, ये किसका रेशियो आ गया, दूरी का रेशियो पता चल गया। अब बताओ बच्चों कल बताया गया था कि चाल अगर फिक्स है तो जो समय का रेशियो होगा वही दूरी का होगा और जो दूरी का होगा वही समय का होगा, 22 वर्षों में चलता है ये नियम। अब बताओ दूरी का रेशियो अगर 11:7 है तो समय का भी क्या हो गया, 11:7। अब यहाँ अंतर कितना है, 4 बराबर 2 मिनट, कम ज़्यादा जो है अंतर होता है ना बच्चों, तो 4 बराबर 2 मिनट है तो 1 बराबर आधा मिनट हुआ। ये कौन सा समय हुआ, परिधि वाला, ये कौन सा समय हुआ, डायमीटर के लॉन्ग वाला, तो 7 बराबर कितना आ गया बच्चों, 7/2 मिनट यानी 210 सेकंड, यानी डायमीटर को पार करने में कितना समय लगता है बताओ, 210 सेकंड, ये पता चल गया। अब हम लोग आ जाएं कि 15 सेकंड में वो 30 मीटर चलता है तो 1 सेकंड में 2 मीटर तो 210 सेकंड में कितना चलेगा बच्चों, 420 मीटर, 420 मीटर कौन सी दूरी आ गई बताओ, डायमीटर आ गई। हमें डायमीटर नहीं पता करना है, हमें रेडियस पता करना है। सबको आ गया बच्चों,
ये हो गया सवाल एक, यहीं पे हम लोग कल थे, इसके आगे चले बच्चों। अब दूसरे सवाल में आ जाओ, अब दूसरे सवाल में आ जाओ बच्चों। ये सवाल कल वाला था, पहले सवाल में आ जाओ। तो ध्यान देना बच्चों, पहले सवाल में कल, अगर कल की क्लास में पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना बच्चों, नहीं तो वो फिर ना फंडामेंटल नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। तो कल के क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन, शायद सातवां क्वेश्चन बताया गया था जो, तो यही था बच्चों। बस ये एक आदमी अपनी चाल को 27.27% कम करता है तो मंजिल में पहुंचने में 66 मिनट का समय लगता है। यदि वह अपनी चाल को 20% बढ़ा दे तो मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही ना सवाल। कल वाले सवाल, कल जो हमने बताया था उसमें मैंने ये परसेंटेज वैल्यू चेंज कर दी थी, है ना। तो चूंकि आज भी इससे जुड़ा हुआ सवाल हमें बताना है ना, हमने ये सवाल दोबारा इसलिए लिया, और ये ओरिजिनल सवाल है जो वेबसाइट में देख रहा था, है ना। तो ये वाला सवाल समझो, तो इस वाले से ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो ये कॉन्सेप्ट को समझो, है ना बच्चों। तो इसको जो है हम लोग ने कल जो बताया था, तो हमने ये कहा था कि वो दो तरीके से, दो स्टेप में मत लगाना, एक ही स्टेप में लग जाएगा। तो पूरा अच्छे से समझते हैं ये क्वेश्चन, और फिर इसी जैसा क्वेश्चन जो एक और है, ये है देखो, एक बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन से तुम्हें बात अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक बच्चों। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब आ जाओ पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में कल वाला ही सवाल है। क्या कह रहा है बताओ, एक आदमी अपनी चाल 27.27% कम करता है तो मंजिल में पहुंचने में 66 मिनट का समय लगता है। ये ध्यान देना बच्चों कि ये 66 मिनट कौन सा समय है, बाद वाला समय है, जब ये कम कर देता है तब वाला समय है, ठीक ना। अच्छा, फिर कह रहा है कि अगर वो चाल 20% बढ़ा दे तो कितना समय लगेगा। तो अब एक तरीका तो पहले ये हो गया इसका, ये सवाल दो है, इसलिए एक बार फिर से बेसिक तरीका भी देख लो। तो बोलो बच्चों, 27.27 ये कितना है, 1/9 का 3 गुना, 1/11 का 3 गुना है बच्चों ये। तो बोलो 1/11 क्या होता है, 9 आता है 9 से 1/9, तो बोलो बच्चों वही है ये। तो ये क्या कहोगे, 11 था 3 घटा, तो बोलो बच्चों 8 बचा। तो ये वाला रेशियो बन गया 11 से क्या हो गया बताओ, 8 हो गया। अच्छा, दूसरा वाला रेशियो क्या है बताओ, 20% चाल बढ़ गई है, तो ये चाल का है हिसाब किताब, ठीक ना। 11 थी 2 घटी तो 8 बची, ये हो गया। अच्छा, अगली बार क्या हुआ चाल, अगली बार चाल क्या है, 20% बढ़ गई है, तो बोलो बच्चों 100 थी, 20% बढ़ करके कितनी हो गई, 120 हो गई, तो 5/6 हो गया। अब एक तरीका तो ये हो जाएगा कि दो टुकड़ों में सॉल्व करो, एक तरीका ये हो जाएगा कि दो टुकड़ों में सॉल्व करो, कैसे बच्चों। तो चाल 11 से क्या हुई बताओ, 8 हुई, तो यहाँ से समय क्या आ जाएगा, समय चाल 11 से 8 हुई है तो समय क्या आ जाएगा बताओ, 8/11 हो जाएगा, समय 8/11 हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, ये 66 मिनट कौन सा समय है, देखो एकदम हमारे दिमाग में जैसे पहली बार देखने पर ये सब दिमाग में आता है कि हम कंपेयर किससे करें, 8 से करें कि 11 से करें, है ना। तो ध्यान देना, ये जब कम हो जाता है तब का समय है 66, तो ये बाद वाला समय है बच्चों। तो क्या कहोगे बताओ, 11 बराबर कितना है बताओ, 66, 11 बराबर 66 है, तो 1 बराबर कितना हुआ, 6, तो 8 बराबर कितना हो गया बताओ, 48। तो ये समय हम लोग को पहले वाला पता चल गया, पहली कंडीशन में चाल कम होने से पहले का समय कितना था बताओ, 48, और चाल कम होने के बाद का समय कितना हो गया बताओ, 66। ये समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ का एक स्टेप ये सॉल्व हो गया। अच्छा, अब दोबारा आ जाओ, तो या उससे समय कितना लगेगा पूछ रहा था, तो चाल क्या थी अगली बार बताओ, 20% बढ़ी थी बच्चों, तो 5 से 6 हुई थी, तो समय क्या आ जाएगा बताओ, 6 से 5 हो जाएगा, समय 6 से 5 हो जाएगा। अब बताओ 6 बराबर कितना है बच्चों, 6 बराबर 48 है, 6 बराबर 48 है, तो 5 बराबर कितना हो गया बताओ, 6 बराबर 48 है, तो 5 बराबर कितना हो गया, 40। ये हो गया आंसर इसका, 40 मिनट, है ना। चाल 11 से 3 घट करके 8 बची, तो समय क्या हो जाएगा बताओ, 8 से 11, बाद वाला समय दिया है, घटने के बाद वाला है ना, तो 11 बराबर दिया है तो 8 बराबर निकाल लिया। एक स्टेप ये हुआ बच्चों, एक स्टेप ये हुआ। दोबारा फिर चाल 5 से 6 हुई थी, तो समय 6 से 5 हो जाएगा, 6 वाला समय निकल चुका है और 5 वाला हम लोग को बताना है। सबको इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें 2 स्टेप लगा बच्चों, है ना। अब हम क्या बता रहे हैं इसमें, ये समझ गए ना सभी। तो अब इसमें इसका बहुत ज़्यादा आसान क्या हो जाएगा, इससे
इससे ज्यादा आसान, और इस पे दो सवाल बताएंगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा समझ में। तो इसका ये आसान तरीका देखो ये हो जाएगा कि इस तरह सॉल्व कर लो बच्चों, चाल 11 से 8 हुई, चाल 11 से 8 हुई, और अगली बार चाल क्या हुई बच्चों 5 से 6 हुई, चाल 11 से 8 हुई, अगली बार क्या हुई 5 से 6 हुई। हम लोगों को ये वाला समय दिया गया है कितना बताओ 66 मिनट, और ये वाला समय हम लोग को बताना है ठीक ना। तो आप देखो बच्चों क्योंकि ये वाला समय दिया गया है इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर देंगे। कल जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें ये 100-100 आ रहा था तो पहले इस बराबर था, तो हमने कहा था कि अगर ये बराबर है तब तो ठीक है और नहीं बराबर होंगे तो बराबर कर दिया जाएगा। तो बोलो बच्चों क्या करें 11 और 5 को बराबर करने के लिए, यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 11 से गुणा कर दें, यहाँ पर 5 से और यहाँ पर 11 से गुणा कर दें। अब बताओ बच्चों ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब हम कह सकते हैं ना कि यहाँ वाली चाल कितनी थी बताओ 40, तो यहाँ वाली चाल कितनी है बताओ 66, यहाँ वाली चाल कितनी है बताओ बच्चों चाल का रेशियो है ना ये, तो पहले वाली चाल अगर 40 थी तो बाद वाली चाल कितनी आ गई बताओ 66, तो चाल का रेशियो क्या हो गया बोलो 40-66, तो समय का रेशियो क्या हो गया 66-40, समय का रेशियो क्या हो गया 66-40, बिना सॉल्व किए सॉल्व हो गया। 66 बराबर कितना है सही में 66 है, 66 बराबर कितना है सही में 66 है, तो 40 बराबर भी कितना होगा सही में 40 होगा आंसर होगा। चाल 11 से 8 5 से 6 ठीक बच्चों बराबर कर दिया 40 हो गया 66 हो गया, चाल 40-66 है तो समय 66-40 हो गया। सिंपल ना करो, सिंपल करोगे तो 33-20 बन जाएगा, 33 बराबर 66 तो 20 बराबर 40 उससे सॉल्व हो गया ना, चाहे जैसे सॉल्व करो समझ गए बच्चों। तो ये है आसान है ना ये देखो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। अच्छा एक सवाल से अगर थोड़ा कम समझ में आया तो और मजा आएगा, तुम्हें दूसरा सवाल देखो इनको इसी वीडियो को इसी सवाल को तुम जरा उनके वीडियो में देखना है ना 4-5 लाख व्यू हैं यहाँ पे, और दूसरा सवाल देखो बच्चों इसमें और मजा आएगा तुम्हें है ना। ये भी वो दो स्टेप में सॉल्व किए हैं। एक आदमी निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दे तो 16 मिनट पहले पहुंचता है, यदि वह अपनी चाल को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तब वह 16 मिनट पहले पहुंचता है, और अगर अपनी चाल को 12 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तब कितनी देर में पहुंचेगा, कितने समय में पहुंचेगा नहीं पूछ रहा है बच्चों, कितनी देर में पहुंचेगा देर पूछ रहा है ना, ध्यान देना नहीं तो बेसिक से भी गलत हो जाएगा। एक आदमी निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है, अगर अपनी चाल 15 बढ़ा दे तो 16 मिनट पहले पहुंचता है, अगर अपनी चाल 12 कम कर दे तो कितनी देर से पहुंचेगा, जबकि वास्तविक चाल उसकी कितनी है बताओ 60 है। तो अब एक तरीका इसका जो तरीका सर जी लोग बताए थे वो तरीका पहले देख लो है ना, सर जी का तरीका देखो भाई 60 पुरानी कितनी थी, पुरानी चाल कितनी थी बताओ 60 थी, 15 बढ़ गई बच्चों तो 16 मिनट पहले पहुंचा, पहले एक जानकारी में आओ फिर से सुनो, वास्तविक चाल कितनी थी 60, 15 बढ़ गई तो 16 मिनट पहले पहुंचा। तो पहला स्टेप देखो, पहले तो दूरी फिक्स है ना, और पहला स्टेप क्या हुआ बताओ बच्चों, चाल का रेशियो बोलो 60 ओरिजिनल चाल है और कितनी बढ़ी है 15, तो कितनी हो गई बच्चों 75, तो चाल का रेशियो क्या बन गया बोलो 4-5, तो समय का रेशियो क्या बन गया बोलो 5-4 ठीक, चाल का रेशियो क्या बन गया बोलो 4-5, तो समय का रेशियो क्या बन गया 5-4। अच्छा 16 मिनट पहले पहुंचा, पहले और लेट क्या होता है, पहले पहुंचा लेट पहुंचा अंतर होता है बच्चों, एक बराबर कितना है बताओ 16, एक बराबर 16 है तो 5 बराबर कितना आ गया बच्चों 80, 5 बराबर कितना आ गया 80, चाल 60 से 75 हुई यानी 4 से 5 हुई तो समय क्या हो जाएगा 5 से 4, समय का अंतर कितना है बच्चों 1, 1 बराबर 16 है तो सामान्य समय कितना आ गया बताओ 80। यहाँ तक सबको समझ आ गया, उसके आगे चलो, ये एक स्टेप संपन्न हुआ, अब दूसरे स्टेप में हो, दूसरा स्टेप क्या है फिर से चाल बोलो बच्चों, अगली बार क्या हुई है 12 कम हो गई है, तो बोलो चाल 60 थी तो 12 कम कर दी गई तो कितनी हो गई बच्चों 48, तो चाल का रेशियो क्या बन गया 5-4 का,
तो समय का रेशियो क्या बन गया बोलो, 4 और 5 का। चाल 60 से 48 हो गई बच्चों, तो चाल का रेशियो 5 से 4 हुआ, तो समय का रेशियो 4 से 5 हुआ। अब बताओ बच्चों, समय कितना पहले वाला निकल चुका था, 80, तो क्या कहोगे, 4 बराबर, बोलो बच्चों, 4 बराबर कितना है 80, 4 बराबर कितना है 80, तो 4 बराबर कितना बच्चों 80, तो 1 बराबर 20, तो 5 बराबर कितना बच्चों 100, 5 बराबर 100। अब 5 बराबर 100 आ गया, तो पूछ रहा है कि तुमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, कितना लेट पहुंचेगा तुमसे। वो पूरा समय पूछता तो क्या निकालते बताओ, 100, लेकिन तुमसे पूरा समय नहीं पूछ रहा है कितना लेट पहुंचेगा, तो यहीं से निकाल सकते थे 4 बराबर कितना है 80, तो 1 बराबर कितना आ गया बच्चों 20, या फिर 100 में से 80 घटा दो तो कितना लेट पहुंचेगा बोलो, 20 मिनट लेट पहुंचेगा। ये हुआ एक तरीका, जल्दी से दोबारा सुनो, चाल बोलो 60 से कितनी हो गई बच्चों 75, यानी क्या हो गई 4 से 5, तो समय क्या हो जाएगा बताओ 5 से 4। यहाँ पे कितना जल्दी पहुंचा 16, तो 1 बराबर 16, तो सामान्य समय कितना आ गया 80। ये समझ गए, एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में आए, दूसरा स्टेप कौन सा, कि अगर चाल 12 कम कर देता है, तो बोलो बच्चों 60 ओरिजिनल चाल थी, 12 कम कर देता है तो 48, रेशियो क्या बना 5 4, तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा 4 5। अब यहाँ पर ओरिजिनल समय निकल चुका था कितना बच्चों 80, तो 4 बराबर कितना है 80, तो कितना लेट हो रहा है 1 लेट हो रहा है, डायरेक्ट निकाल सकते हो 4 बराबर 80, 4 बराबर 80, तो 1 बराबर 20। ये हो गया, समझने के लिए हमने बताया कि 5 बराबर कितना हो गया 100, तो कितना लेट हो रहा है, अगर अगर नया समय पूछता तब आंसर 100 होता, लेकिन तुमसे पूछा कितना लेट हुआ, तो कितना लेट हुआ बताओ बच्चों, 80 में से 80 घटा दोगे 100 में से, तो कितना आ जाएगा 20, या फिर डायरेक्ट 1 बराबर 20। समझ गए, ये हुआ एक तरीका। इस तरीके में क्या हुआ, देखो दो स्टेप में साल हुआ है ना। अच्छा, अब इसी सवाल को देखते हैं दोबारा बच्चों, और अब की जो है इसे एक स्टेप में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक स्टेप में देखो कैसे सॉल्व होगा, एक स्टेप में देखो बच्चों, बोलो बच्चों ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है। तो बोलो चाल 60 और कितनी बच्चों 15 बढ़ गई थी 75, 60 75। अगली बार बोलो बच्चों चाल 60 48, 60 48। अच्छा आप ध्यान देना, पिछले सवाल से ये थोड़ा अलग है बच्चों, क्या अलग है देखो, बहुत ध्यान समझना है ना। अगर अगर ये ध्यान देना, अगर ये दोनों में से कोई एक दे करके, जैसा पिछली बार हुआ था, इन दोनों में से कोई एक दे करके दूसरा पूछ रहा था, तब हमें एक ही रेशियो से काम चल गया, एक ही रेशियो से काम चल गया। लेकिन अब क्या है, यहां का अंतर दे करके, यहां का अंतर दे करके यहां का अंतर पूछ रहा है, यहां का अंतर दे करके यहां का अंतर पूछ रहा है, इसीलिए हम लोगों को वही काम करना रहेगा, लेकिन अब की दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या मतलब हुआ, एक बात समझो बच्चों, दोबारा समझो बच्चों, जगह इधर से लिख रहे हैं। तो बोलो चाल क्या हुआ बताओ, पहली बार 15 बढ़ी है ना बच्चों, तो चाल 60 से क्या हो गया 75। अगली बार 12 घटी है, तो 60 से क्या हो गया बताओ 48। अब बताओ बच्चों, तो ये 4 और 5 का रेशियो बन गया, और ये जो हो जाएगा 5 और 4 का रेशियो बन गया, ठीक ना। चाल का रेशियो क्या बन गया बताओ 4 5 का, और यहाँ पे चाल का रेशियो क्या बन गया 5 और 4 का, ठीक बच्चों। अच्छा, तो यहाँ से समय का रेशियो क्या आ जाएगा, समय का रेशियो 5 4 हो जाएगा, और यहाँ पे समय का रेशियो क्या हो जाएगा 4 5 हो जाएगा, ठीक बच्चों। दोनों को क्यों जोड़ना पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि अगर एक दे करके दूसरा पूछ ले तब तो साल हो जाएगा, कुछ भी एक दे करके दूसरा पूछ ले साल हो जाएगा, लेकिन अगर ये अंतर दे रहा है, अंतर कोई भी देगा, तब हम लोग को दोनों रेशियो जोड़ना पड़ेगा। अब बोलो बच्चों, दोनों को जोड़ दो, समय में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि समय का अंतर दे रहा है। अगर चाल का अंतर देता तो हम लोग इन दोनों को जोड़ते, अगर समय का अंतर देगा तो समय के रेशियो को जोड़ोगे ना बच्चों। फिर से सुनो, अगर चाल का अंतर दे रहा होता तब हम लोग समय में परिवर्तित ना करते, हम लोगों किस में किसको सॉल्व करते हैं चाल को, लेकिन अगर समय में अंतर दे रहा है तो हम लोग को रेशियो किसका बनाना पड़ेगा, समय का। अब बताओ बच्चों, अगर चाल होता तो ये पहले से बराबर था, है ना, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 4 का गुणा कर दोगे और यहाँ पर 5 का गुणा कर दोगे, ठीक बच्चों। आप बोलो 20 20 बराबर हो गया ना,
तो बोलो ये कितना आ गया 20, ये कितना है 16, ये कितना है 20 और ये कितना है 25। आप देख लो बच्चों कितना आसान हो गया। अंतर कितना है बोलो, अंतर कितना है बोलो, 4, 4 बराबर 16, अंतर कितना दिया था 16 ना, तो 4 बराबर 16 और यहां का अंतर कितना है बताओ 5, 4 बराबर 16 तो 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 20 आंसर। ये हो गया बच्चों, समझ गए ना, चाल का रेशियो, समय का रेशियो, क्यों समय का रेशियो निकाला, क्यों दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि समय का अंतर दे रहा था, अंतर दे रहा, अगर कोई एक देता तो पिछले सवाल की तरह लग जाता, लेकिन अंतर दे रहा है तो तुम चाहो तो हमेशा यही तरीका लगाओ, पिछला वाला तरीका लगाओ ही ना, हमेशा इसे जोड़ लो, है ना, जिस जो दे रहा है, अगर समय का अंतर दे रहा है तब जोड़ना मजबूरी हो जाएगा क्योंकि अंतर का सवाल ये इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ना बच्चों, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबको रख के रखना पड़ेगा, है ना। तो चाल का रेशियो बना लिया, समय का रेशियो बन गया, अब बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, यहाँ का अंतर दे रहा है कितना बच्चों 4, 4 बराबर 16 है और यहाँ का अंतर पूछ रहा है 5 बराबर 20, एक स्टेप में सॉल्व हो गया। आज समझ में आया बच्चों, तो ये दो तीन सवाल थोड़े अच्छे सवाल थे, उसके पहले के सवाल कल वाला वीडियो जरूर देखना बच्चों, है ना, तभी तुम्हें पूरी बात अच्छे समझ आएगी। और तुम देखना कि टाइम एंड डिस्टेंस का तुम आईबी का पेपर पिछले से पिछले वर्ष का जो है 2 वर्ष पहले का उठा के देखो, है ना, सबसे अच्छे सवाल उसमें पूछे गए थे और देखना तुम मतलब पूरे पूरे सवाल जो अगर अच्छा सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं से रेशियो जुड़ा होगा, है ना। तो अभी जो फॉर्मूले बनते हैं वो भी सब उसी का ही खेल रहता है, तो आज ये रेशियो का दूसरा है, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस में रेशियो पार्ट का दूसरा लेक्चर है, अभी 2 दिन और इसे बताएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसे बनते हैं, उसके बाद फिर जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, कर देंगे और वो तुम अपने सवाल बहुत उसमें करीब मतलब क्वेश्चन और एग्जांपल मिला करके सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस में 150 के ऊपर सवाल है, ट्रेन बोर्ड रेस गेम एंड स्किल मिला करके 500 के ऊपर सवाल है ना, तो और सब अच्छे सवाल और फुल्ली सॉल्वड है। इसके आगे चले बच्चों, वो तुम्हारे नोट्स की तरह हो जाएगा, कभी तुम्हें खुद नहीं बनाना रहेगा। थर्ड सवाल हो गया बच्चों, उसके आगे चले अब हम लोग फोर्थ सवाल में हैं। ये देखो बहुत अच्छा सवाल, क्या कह रहा है सुनना बेटा, बहुत अच्छा सवाल। 120 किलोमीटर की दूरी में एक कार मोटरसाइकिल से 12.5% तेज चली। फिर से सुनो, 120 किलोमीटर की दूरी में जाना कितना था बच्चों 120, एक कार मोटरसाइकिल से 12.5% तेज चली, तेज चलने के बाद भी बराबर समय पे पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्योंकि कार पंचर हो गई थी और 10 मिनट उसे रुकना पड़ा, तो मोटरसाइकिल की चाल क्या होगी। क्या सवाल बच्चों, एक कार और एक मोटरसाइकिल कितनी दूर गए बोलो 120 किलोमीटर, कार की चाल मोटरसाइकिल से 12.5% तेज थी, 12.5% तेज थी, तो कार को जल्दी पहुंचना चाहिए था बोलो, लेकिन नहीं पहुंची जल्दी, क्यों नहीं पहुंची बच्चों, क्योंकि वो कार पंचर हो गई थी बीच में, जिसके कारण उसे 10 मिनट रुकना पड़ा। अब तुमसे मोटरसाइकिल की चाल पूछ रहा है, सवाल सबको समझ में आ गया ना बच्चों, अब आ जाओ तो यहां पर ये बताओ कि दोनों जो है, दोनों कार की चाल मोटरसाइकिल ज्यादा है तो चाल तो बराबर नहीं है बच्चों, लेकिन दोनों जो है एक ही समय पे पहुंचे हैं, है ना, ये तुम दूरी बराबर करके भी सॉल्व कर सकते हो और समय बराबर करके भी सॉल्व कर सकते हो, तो अभी हम लोग दूरी बराबर करके सॉल्व करते हैं। तो यहां पर चाल 12.5% तेज है, तो पहले रेशियो बना लो बच्चों, पहले रेशियो बना लो, तो कार और बाइक की चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, कार मोटरसाइकिल से 12.5 तेज है, अगर ऐसे बनाओगे तो टाइम लगेगा, है ना, ऐसे बनाओगे तो टाइम लगेगा, बना सकते हो, ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा बच्चों, 12.5 का मतलब क्या हो गया 1/8, तो इसे 8 मान लो, ये 8 माना तो 1 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, मान लो दिमाग में ना आए तो ऐसे बना सकते हो। तो चाल का रेशियो कितना आ गया बोलो, कार और बाइक का बोलो बच्चों 9 और 8 का, चाल का रेशियो 9 और 8 का आ गया। अब बताओ तो समय का रेशियो क्या आ गया बताओ, चलने के समय का रेशियो क्या आ गया बताओ, 8 और 9 का आ गया, कार वाला चला 8 तो बाइक वाला चला 9, ये हो गया। अब बताओ दोनों एक ही समय पे पहुंचे हैं बच्चों, ध्यान देना, दोनों एक ही समय पे पहुंचे हैं, तब समय में अंतर क्यों आ रहा है, ये चलने का समय है, तो कार जो है 10 मिनट रुकी रही है ना,
तो बोलो यहाँ पे कितना रुकी रही है, यहाँ पे कितना रुकी रही है, एक, एक बराबर कितना है बोलो 10 मिनट, एक बराबर 10 मिनट। अब कार का 80 आ जाएगा और बाइक का 90 आ जाएगा, 90। एक्चुअल में दोनों साथ साथ पहुँचे हैं। कार 80 मिनट में पहुँच सकती थी, लेकिन 10 मिनट जो पंचर बनवाने में लग गया, इसी कारण 80 और 10 मिलके कितना हो गया बताओ बच्चों, 90 हो गया। तो आप जल्दी से इतना सुनो, कार और बाइक की चाल का रेशियो ये तरीका तो इस तरीके से बना लिया तुमने, यह 8 माना, तो ये कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। अब समय का रेशियो क्या आ जाएगा, 8-9 हो जाएगा। अब अंतर कितना है यहाँ पे, दोनों एक समय पे पहुँचे हैं लेकिन 10 मिनट कार रुकी रही है, तो कार 8 चली है तो बाइक कितनी चली है बच्चों, 9। तो यहाँ पे जो रुकने का समय है वो 1 हुआ, 1 बराबर 10 है। कार का समय पूछा जाए तो 80 मिनट चली है और बाइक पूछा गया तो 90 मिनट चली है। हम लोगों को इससे मतलब है बताओ, बाइक से मतलब है, क्यों, बाइक की चाल पूछी जा रही है। अब बताओ बच्चों बाइक का समय कितना आ गया बोलो, 90 मिनट। पूछ रहा है तुमसे मोटरसाइकिल की चाल क्या है, सॉल्व हो गया, 90 मिनट जो है बाइक का समय है। कितनी दूरी चलने का बताओ, 120। अब बोलो बच्चों चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी कितनी है बोलो, 120 किलोमीटर, और समय कितना लगा है बोलो बच्चों, 90 मिनट, यानी 3/2 घंटे। तो बोलो कितना आ जाएगा ये, 80 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो गया। फिर से सुन लो बच्चों, यहाँ ये समझ गए थे समय ये आ गया, ये भी समझ गए थे। अब बाइक का समय निकाल लो, क्यों बाइक का समय निकाल लो, क्योंकि बाइक की चाल पूछ रहा है। तो बाइक का समय कितना आ गया बताओ, 90 मिनट। 90 मिनट में अगर सिर्फ बाइक का समय पूछे तो आंसर 90 मिनट हो जाएगा, लेकिन तुमसे समय नहीं पूछ रहा है, बाइक की चाल पूछ रहा है। तो 90 मिनट में वो चली कितना बताओ, 120 किलोमीटर चलने में 90 मिनट लगा बच्चों, तो 120 दूरी चलने में 90 मिनट यानी 3/2 घंटे लगा है, तो चाल कितनी आ जाएगी बोलो, यहाँ से ही कट जाएगा तो 80 किलोमीटर पर आवर। सबको समझ आ गया बच्चों, इसके आगे चले। अब ये एक बहुत अच्छा सवाल, इसमें 3 सवाल बनते हैं, पारंपरिक सवाल, मतलब ये शायद ही कोई ऐसा पेपर हो, शायद ही कोई ऐसी किताब हो, शायद ना हो, है ना, शायद भी नहीं, ऐसा कोई किताब नहीं होगा जिसमें ये सवाल ना हो, है ना। बहुत ही पुराना सवाल, हम लोग अपने समय से इसे देखते आ रहे हैं, तो चलो पढ़ते हैं। 3 सवाल इसे बनते हैं, ऐसा एक सवाल और है बच्चों, ये बहुत पुराने सवाल है। अब इसका पारंपरिक सवाल ये पहला वाला कम पूछता है, वो इन दोनों में से कोई पूछता है, तो अच्छे से समझना इस सवाल को, आसान है। अभी जो 3-4 सवाल थे वो थोड़े अच्छे थे, है ना बच्चों। अब तुम्हें अब इसके आगे के रेशियो के हम जैसे कुछ अच्छे कुछ नॉर्मल सवाल रखेंगे, तो अब ये वाले सवाल सही हैं, अच्छे आसान लगेंगे तुम्हें, ना। सुनना बच्चों ध्यान से, एक आदमी जब 60 किलोमीटर की चाल से घर जाता है, तब वह 20 मिनट लेट हो जाता है। 60 की चाल से जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, जब वह 80 की चाल से चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। अब 3 सवाल है, वह कितनी दूर जाता है, उसकी यात्रा का सही समय क्या है, और उसकी चाल क्या हो कि वह सही समय पर पहुंचे। ठीक बच्चों, 60 की चाल से जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, 80 की चाल से जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 3 सवाल का आंसर देना है, ठीक है ना। तो आप देखो, अगर पेपर में ये वाला सवाल पूछा जाए बच्चों, पहला वाला सवाल, तब तो इसके लिए फॉर्मूला बेटर होता है, है ना। अगर पहला सवाल पूछा जाए वो भी बता रहे हैं, नहीं तो बाकी दोनों सवालों के लिए हमेशा रेशियो ही ठीक रहेगा, और पहले में भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, जो 19-20 का अंतर होगा, है ना। रेशियो लगाओगे तो थोड़ा सा जो है समय ज़्यादा लगेगा, बाकी इसके ये सवाल जब कम पूछता है, ये दोनों ज़्यादा पूछता है, तो आप समझते हैं बच्चों, है ना, ध्यान से समझना। तो पूरा मामला यहाँ लिख के समझा रहे हैं, 60 की चाल 20 लेट और 80 की चाल 15 पहले। तो बोलो बच्चों, 60 की चाल है तो 20 लेट है, और 80 किलोमीटर की चाल है तो बोलो बच्चों 15 मिनट पहले है, ये कह रहा है ना। 60 की चाल है तो 20 मिनट लेट है, 80 की चाल है तो 15 मिनट जल्दी है। अब चलो बच्चों, तो पूछ रहा है 3 सवाल। अब 60 की चाल है तो 20 मिनट लेट होता है, 80 की चाल से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंचता है। अब तुमसे 3 सवाल पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले ये सवाल रेशियो से क्यों सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों बार वो जा कहाँ रहा है बच्चों, एक ही जगह पर, जहाँ पहले जा रहा था वहाँ अभी जा रहा है। तो बोलो इस सवाल में दूरी फिक्स है, चाल का रेशियो दूरी फिक्स है और
चाल का रेशियो बन जा रहा है, तो बोलो चाल क्या है, 60 और 80, यानी कितना बच्चों, 3 और 4, 3 और 4। अच्छा एक बात पहले बता दें, नहीं भूल जाएंगे, याद रखना बच्चों कि अगर तुमने एवरेज, इसका एवरेज का जो अभी लाइव क्लास में पढ़ाया गया था, तो उसमें अगर एवरेज तुमने पढ़ा तो उसमें एक सवाल था कीड़े वाला सवाल था, कीड़ा, तो उसमें बस एक करेक्शन कर लेना, कीड़ा एक कीड़े करके एक सवाल था, तो उसमें जो मिनट लिखा हुआ है उस मिनट को काट करके किलोमीटर कर देना, उसमें मिनट हमने लिख दिया था 5 मिनट, है ना, तो 5 मिनट नहीं, जहां जहां मिनट लिखा है उस मिनट को किलोमीटर कर देना, किलोमीटर, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ, चाल का रेशियो क्या बना बच्चों, 3 और 4, दूरी फिक्स है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, बोलो समय का रेशियो हो जाएगा 4 और 3 का, समय का रेशियो 4 और 3 का हो जाएगा, बस इतना ही करना था। अब तीनों सवाल एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, है ना, कैसे के बच्चों देखो, ये समझ गए ना, चाल का रेशियो 3 और 4 हुआ तो समय का रेशियो 4 से 3 हो जाएगा। आप ध्यान देना, 20 मिनट लेट और 15 मिनट पहले, 20 मिनट लेट और 15 मिनट पहले, तो बोलो बच्चों यहाँ पर अंतर कितना हुआ बताओ। तो ध्यान रखना, जब अपोजिट नेचर आएगा, जब विपरीत नेचर होगा, अगर दोनों बार लेट होगा, दोनों बार पहले पहुंचेगा, तब जो है घटाया जाएगा। अभी एक बार लेट है, एक बार पहले पहुंचा है, अपोजिट नेचर है, तो अंतर जो है जोड़ा जाएगा। तो बोलो बच्चों दोनों का अंतर कितना हो गया, बोलो 35 मिनट। आप ध्यान रखना बच्चों, अगर सेम नेचर होगा, दोनों बार लेट होता तो 5 मिनट का अंतर होता, दोनों बार जल्दी पहुंचता तो भी 5 का अंतर होता, लेकिन एक बार लेट एक बार पहले है तब अंतर के लिए जोड़ा जाएगा। अब बोलो बच्चों समय का अंतर 4-3 है, और यहाँ पे समय का रेशियो 4-3 है और अंतर कितना है, बोलो 35, तो 1 बराबर कितना, बोलो 35, 1 बराबर 35, तो 4 बराबर 35 × 4 = 140, और 3 बराबर 35 × 3 = 105। ठीक बच्चों, ये क्या आंसर आ गया, बोलो ये हो गया 60 की चाल वाला आंसर, 60 की चाल का समय, और ये हो गया 80 की चाल का समय। यहाँ तक समझ गए बच्चों, चाल का रेशियो तो समय का रेशियो, अंतर 1 बराबर 35, तो 4 बराबर और 3 बराबर, यह आ गया, समय पता चल गया। अब तीनों आंसर लिख सकते हो, इतना करना था, 140 और 105 आया है। ठीक बच्चों, अब देखो अगर पूछता है तुमसे यात्रा का सही समय क्या है, तो बोलो 140 और 105। 140 समय जब लगता है तब क्या होता है बच्चों, 20 मिनट लेट होता है, तो यानी कि 20 मिनट कम लगना चाहिए। बोलो 140 मिनट जब चलता है, तुम यहां से या यहां से आंसर निकाल सकते हो दोनों तरह से, 140 तब लगता है जब 20 मिनट लेट होता है, तो इसका मतलब 20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, 105 जब लगता है तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, 15 मिनट जल्दी पहुंच गया यानी 15 मिनट लेट पहुंचना चाहिए, तो चाहे तुम यहां से चाहे यहां से समय निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा बच्चों, 120 मिनट। ये हो जाएगा कौन सा समय, बोलो ये हो जाएगा यात्रा का सही समय, यात्रा का सही समय। अब तीसरा सवाल अगर पूछता है कि ये समय आ गया बच्चों, और अगर तुमसे ये आप ये पूछे तो अब एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, है ना, कैसे, उसकी चाल क्या हो कि वह सही समय पे पहुंचे, और दूसरा सवाल क्या है बच्चों, वह कितनी दूरी चलता है, तो अगर दूरी पूछता है तब क्या करोगे, 140 कहीं से भी निकाल सकते हो दूरी। दूरी कैसे निकाल सकते हो बेटा, दो तरीके से, कैसे, 60 की चाल से चलता है तब कितना समय लगता है, बोलो 140, 60 की चाल से चलता है तब कितना समय लगता है, 140, 140 क्या है बताओ, मिनट, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये एक तरीका हो गया दूरी निकालने का। और या फिर 80 की चाल से चलता है तब कितना, बोलो तब 80 की चाल चलता है तब 105 समय लगता है, तो गुणे 105/60, चाहे जिससे तुम जो है ये सॉल्व कर सकते हो। अब ये कितना आ जाएगा बोलो, ये 140 आ जाएगा। अगर दूरी पूछता है तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 140 हो गया। और तीसरा सवाल कि उसकी चाल क्या हो कि वह सही समय पर पहुंचे, उसकी चाल क्या हो कि वह सही समय पर पहुंचे, तो अब बोलो कितनी दूरी चलनी थी, बोलो 140 और
समय कितना है, सही समय कितना है बच्चों, सही समय 120 है, तो उसकी चाल क्या हो कि वह सही समय पर पहुंचे, तो दूरी है 140 किलोमीटर और समय कितना लगा है बताओ, सही समय कितना है बच्चों 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब क्या बताओ, 2 घंटे, तो उसकी चाल क्या हो कि वह सही समय पर पहुंचे, आंसर कितना हो गया बच्चों 70 किलोमीटर पर आ। दोनों तीनों सवाल फिर से सुन लो, सबसे पहले चाल 60-40 यानी कितना बच्चों 3-4, तो समय का रेशियो कितना 4-3, समझ गए, एक बराबर कितना है बोलो 20 मिनट पहले लेट 15 मिनट पहले, अंतर कितना हुआ 35, एक बराबर कितना है 35, तो 4 बराबर कितना हो गया 140, तो 3 बराबर कितना हो गया 105, ये इतना कर लिया हम लोगों ने। यहाँ के बाद अब तीनों सवाल सॉल्व हो सकता है, कैसे कैसे बच्चों, 140 जब पहुँचा है दोनों बार ये राइट टाइम नहीं है ना, 140 समय लगा है, 105 समय लगा है, और 140 समय जब लगा है तब वो 20 मिनट लेट हुआ है, इसका मतलब उसे 20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, तो 20 कम कर दो, 105 समय जब लगा है तब वो 15 मिनट जल्दी पहुंचा है, यानी 15 मिनट और समय ले सकता था, तो 15 जोड़ दो, दोनों तरह से यात्रा का सही समय आ गया कितना 120 मिनट। और तीसरा सवाल अगर पहला सवाल पूछता है कि उसकी दूरी कितनी है, तो अब बोलो बच्चों 60 की चाल से चला है तब कितना समय लगा है बताओ 140, तो 60 दूरी चाल है और 140 समय है, तो बोलो बच्चों दूरी गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल और दूसरा तरीका क्या हो गया ये, या ये तरीका लगा सकते हो, है ना, दूसरा तरीका क्या हो गया 80 की चाल चलता है तब 105 समय लगा है, तो 80 ये हो गया, तो दूरी का आंसर ये हो गया, दूरी पता चल गया। उसके बाद दूसरा तीसरा सवाल क्या बचा बच्चों कि उसकी चाल क्या होगी, वह सही समय पर पहुंचे, तो दूरी कितनी है बताओ 140 और सही समय कितना निकला है 120 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे, तो सही चाल क्या होगी बोलो 70। सबको समझ आ गया बच्चों। अब अगर ये सवाल में सिर्फ दूरी पूछता है, अगर बाकी पूछेगा तो तुम्हें फिर यही तरीका से ठीक रहेगा, लेकिन अगर दूरी पूछता है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हो, फॉर्मूला भी हम आगे समझाएंगे और उसमें कई सवाल लगवाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो ये है कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई चालों का अंतर गुणे समय का अंतर, चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई दोनों चालों का डिफरेंस अंतर गुणे समय का अंतर। यहां पे किताब में मॉड लगा के लिखा रहता है, मॉड इसलिए लिखा रहता है कि बच्चों के लिए होता है कि भाई गलती से गलत ना घटा दे, है ना। दूरी क्या हो जाएगी बोलो, चालों का गुणनफल यानी कितना बताओ बच्चों, चाल कितनी कितनी है 60 और 80, चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई चालों का अंतर कितना है बताओ 20 और गुणे समय का अंतर कितना है 35, अभी बताया गया था समय का अंतर 35/60, ये हो गया दूरी का आंसर। ये दूरी अगर पूछा जाएगा तो ये तरीका आसान है ना, लेकिन बाकी सवालों के लिए रेशियो का ही तरीका अच्छा है। ठीक बच्चों, तो ये है, तो ये टाइप सवाल जो है मतलब इसमें इस पैटर्न पर सवाल में कई सवाल बनता है, तो जितने बन सकते थे सब हमने इसमें रखे, ऐसे ही एक सवाल और है, ठीक है ना, ये समझ गया सभी लोग। इस पर अभी हम इस फॉर्मूले पे दूरी बराबर चालों का गुणनफल डिवाइडेड बाई चालों का अंतर और गुणे समय का अंतर, इस पर अभी हम आगे, यहाँ पर तो ये है कि तुम मतलब इस फॉर्मूले को ना लगाओ तो रेशियो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसा होगा जिसमें ये फॉर्मूला लगाना मजबूरी हो जाएगा, तो हम लोग उसी सवालों में उसी के लिए ये बताया गया है ना, एक आध सवाल ऐसा होगा जहाँ पे यही एक विकल्प होगा कि हम फॉर्मूला यूज़ करें। तो चलें बच्चों आगे चलते हैं। एक लड़का अपनी सामान्य चाल से अपने स्कूल 2 घंटे पहले 2 घंटे में पहुंचता है ना, एक लड़का अपनी सामान्य चाल से अपने स्कूल 2 घंटे पहुंचता है, एक दिन वह 15 मिनट लेट घर से निकला और अपनी चाल 6 बढ़ाकर विद्यालय सही समय पर पहुंच गया। एक लड़का सामान्य चाल से अपने स्कूल 2 घंटे पहुंचता था, एक दिन क्या हुआ बच्चों, वो 15 मिनट लेट घर से निकला तो उसने अपनी चाल को 6 बढ़ा दिया, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया और सही समय पर पहुंच गया। अब तुमसे 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्या, उसने अपनी चाल कितने परसेंट बढ़ाई, दूसरा सवाल उसकी चाल क्या थी और घर से विद्यालय की दूरी क्या थी, 3 सवाल। ठीक बच्चों, सामान्य चाल से 2 घंटे में पहुंच रहा है, 15 मिनट लेट हो गया है, इसलिए चाल बढ़ानी पड़ी जिससे कि स्कूल ना लेट हो जाए, है ना, और स्कूल टाइमली पहुंच गया।
अब तुमसे तीन सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो आप सॉल्व करते हैं इसे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि क्यों रेशियो से सॉल्व हो जाएगा, क्यों रेशियो सॉल्व हो जाएगा? दोनों बार वो कहाँ जा रहा है बताओ? पहली बार भी जब मतलब अगर लेट हो रहा है या घटी चाल से या बढ़ी चाल से कैसे भी जा रहा है, जा तो स्कूल ही रहा है ना, तो क्या कहोगे बोलो बच्चों? दूरी फिक्स है, दूरी फिक्स है। और कल वाला वीडियो देखो, तो हमने बताया था कि रेशियो में चार तरह के सवाल होंगे। पहले वाले सवाल में तो रेशियो ही होगा दिया हुआ, दूसरे में रेशियो बनाना पड़ेगा, तीसरे में एक जानकारी दो जगह। तो ये कौन सा सवाल हुआ बच्चों? थर्ड टाइप सवाल हुआ, एक जानकारी दो जगह दी गई है। तो बोलो, एक जानकारी दो जगह दी गई है, कौन सी जानकारी दो जगह दी गई है? समय के बारे में दिया गया है। सामान्य समय कितना है बताओ? दो घंटे, दो घंटे। और जब वो 15 मिनट लेट हुआ है तब कितना समय बचा है बताओ? 1 घंटे 45 मिनट। तो बोलो बच्चों, सामान्य समय उसका कितना है बताओ? 2 घंटे। 15 मिनट लेट हो गया है तो 15 मिनट कम हो जाएगा, तो बोलो अब कितना समय बचा बच्चों? 1 घंटे 45 मिनट। इसका रेशियो बना लोगे तो ये क्या बन जाएगा बोलो? 8 और 7 का बन जाएगा। समय का रेशियो कितना बन जाएगा? 120 मिनट और 105 मिनट, ऐसे बना लोगे ना, तो 8 और 7 का बन जाएगा। समय का रेशियो क्या बन गया बच्चों? 8 और 7 का। हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है चाल से, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो चाल पर पूछा जा रहा है। तो समय का रेशियो अगर 8 और 7 है तो चाल का रेशियो क्या आ जाएगा बोलो? 7 और 8 का आ जाएगा। चाल का रेशियो 7 और 8 का आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, चाल का रेशियो 7 और 8 का आ जाएगा। अब तीनों सवाल सॉल्व हो गया। अगर पूछता है पहला सवाल क्या है, वो अपनी चाल कितने परसेंट बढ़ाई, उसने अपनी चाल कितने परसेंट बढ़ाई, तो बोलो चाल कितनी बढ़ी बताओ? 1 कितनी थी बेटा 7, 7 से 1 बढ़ करके 8 हुई। तो अगर पहला सवाल पूछता है कि उसने अपनी चाल कितने परसेंट बढ़ाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/7 × 100। सबको समझ में आया बच्चों? एक सवाल हो गया, समय समझ गए, 2 घंटे, ये दूरी फिक्स है 8 से 7, तो चाल का रेशियो 7 से 8। अब पूछ क्या रहा है तुमसे पहला सवाल, चाल कितने परसेंट बढ़ी, कितनी बढ़ी डिवाइडेड बाई किस पर बढ़ी, गुणे 100। एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल, उसकी सामान्य चाल क्या थी? तो बोलो बच्चों, चाल का रेशियो क्या है? 7 और 8। तो बोलो ये कौन सी चाल है? नॉर्मल समय ये है, बोलो ये उस दिन वाला समय है। तो ये इसके नीचे जो है ये इसकी सामान्य चाल है, ये इसकी सामान्य चाल है, और ये कौन सी चाल है बच्चों? बढ़ी हुई चाल है, उस दिन वाली चाल है, बढ़ी हुई चाल है। समझ रहे हो ना सब लोग? ये नॉर्मल समय है, ये उस दिन वाला समय है, तो ये नॉर्मल चाल हुई, ये उस दिन वाली चाल हुई। अब चाल का रेशियो क्या हो गया? 7 और 8 का। तो चाल बढ़ी कितनी बताओ? 1 बढ़ी, तो बढ़ी कितनी? 6। 1 = 6। 1 बढ़ी तो कितनी बढ़ी बच्चों? 6। तो 1 = 6। अब तुमसे अगर पहले वाली चाल पूछ रहा है तो 7 = 42, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक बच्चों? ये हो गया दूसरा सवाल, उसकी सामान्य चाल क्या थी? उस दिन वाली चाल पूछेगा तब बोलो 1 = 6, तो अगर उस दिन वाली चाल पूछेगा तो 48 हो जाएगा, और सामान्य चाल पूछेगा तो 7 का मान निकालोगे तो 42 हो जाएगा। तो बोलो बच्चों, एक सवाल ये हुआ, दूसरे का आंसर कितना आ गया? 42 किलोमीटर पर आवर। दो सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल अगर पूछता है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तब क्या करोगे बोलो? घर से विद्यालय की दूरी दो तरीके से निकाल सकते हो, दो तरीके से। कैसे? यहाँ देख लो, घर से विद्यालय की दूरी दो तरह से निकाल सकते हो। कैसे बच्चों? एक तरीका तो ये हो गया कि 42 उसकी नॉर्मल चाल है, तब कितना समय लगता है बताओ? 42 जब उसकी नॉर्मल, ये तो रेशियो है, 42 उसकी नॉर्मल चाल है तब उसे कितना समय लगता है? 2 घंटे। तो या तो 42 में 2 का गुणा कर दो तो दूरी आ गई, और या फिर उस दिन वाली चाल कितनी थी बताओ? नई बढ़ी हुई चाल कितनी थी? 48 चाल पर कितना समय लगता है बताओ? 1 घंटे 45 मिनट। तो ये करना कठिन होगा लेकिन कर सकते हो, 48 × 1 घंटा 45 मिनट। तो एक तरीका ये हो गया दूरी निकालने का, और एक तरीका ये हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों? फिर से सुन लो, समय समझ गए तो चाल, ठीक, 1 = 6 तो 7 = तो 8 = अब पहला सवाल पूछ रहा है चाल कितने परसेंट बढ़ी, तो ये समझ गए 1 बढ़ी 7 पर, सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल कि सामान्य चाल क्या थी, या बढ़ी चाल क्या थी, या नई चाल क्या थी,
तो बोलो बच्चों बढ़ी कितनी है बताओ, 6, यहाँ कितनी बढ़ी है 1, 1 बराबर 6, तो अगर पूरा नहीं पूछेगा तो 42, नहीं पूछेगा तो 48, ये हो गया। और तीसरा सवाल घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो 42 चाल में कितना समय लगता है 2 घंटे, और 48 चाल में कितना समय लगता है 1 घंटे 45 मिनट, तो या तो 42 × 2 कर लो या 48 × 1 सही 3/4 कर लो। सबको समझ में आ गया बच्चों, इसके आगे चले। हाँ, अगले सवाल में बच्चों, ए और बी एक दूसरे से 650 दूरी पर हैं। अब ये दो सवाल जो हैं, अब जो दो सवाल हैं ये बहुत बेसिक सवाल हैं, लेकिन इसकी जरूरत कठिन सवालों में देखोगे बहुत ज्यादा पड़ेगी बच्चों, बहुत ही जरूरी है ये सवाल, इसे ध्यान से समझना, है ना। बहुत आसान है, हम कुछ कठिन इन दोनों सवालों में फंडामेंटल समझना, तो दो ही सवाल बनते हैं ना। क्या दो सवाल हैं, बहुत जरूरी पॉइंट है, सुनो ध्यान से। ए और बी स्थान जो एक दूसरे से 650 दूरी पर हैं और क्रमशः 70 व 60 की चाल से दो आदमी ए से बी व बी से ए की तरफ चलते हैं, ये कह रहा है ए से कितनी दूरी पर वे मिलेंगे। मामला क्या है बच्चों, बहुत आसान है, जल्दी मत रहना, यहाँ पे जल्दी में रहोगे तो आगे दिक्कत होगी ना। हमने जान के डिजिट आसान रखी है जिससे तुम्हें बात को समझने में जरा भी दिक्कत ना रहे ना, रेशियो मैथ पे ध्यान रहे ना, कॉन्सेप्ट देखो है ना। और दो ही सवाल बनते हैं, दोनों समझ लो तो समझ में आ जाएगा, दो ही बनेंगे। ए और बी दो स्थान है, ठीक बच्चों, कितनी दूरी पर है बोलो, ए और बी दो स्थान है, कितनी दूरी पर है, 650 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, यहां से एक आदमी 70 की चाल से और दूसरा आदमी इधर से 60 की चाल से चलते हैं। अब एक ए से बी की तरफ जा रहा है, दूसरा बी से ए की तरफ आ रहा है। अब तुमसे पूछ रहा है ए से कितनी दूरी पर वे मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, है ना। दो ही केस होते हैं, या तो वो अलग अलग स्थानों से इधर की तरफ आएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे। इस तरह से दो ही सवाल बनेगा, एक इस पर है, एक अगला वाला दूसरे पर है ना, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान समझना। तो बोलो 650 बीच की दूरी है, एक की चाल कितनी है बोलो 70 की है, दूसरे की चाल कितनी है बच्चों 60 की है। अब तुमसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर वो मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरी बात समझना। ये सवाल में सब लोग सोचो बच्चों, इस सवाल में क्या फिक्स है और क्यों रेशियो सॉल्व हो जाएगा, सब लोग सोचो इस सवाल में क्या फिक्स है और क्यों ये सवाल रेशियो से सॉल्व हो जाएगा। तो समझो बच्चों, इस सवाल में समय फिक्स है और चाल का रेशियो बन रहा है। क्यों समय फिक्स है ये बताओ, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, ठीक। ए चला, ए यहां से यहां इस तरह से आ रहा है, ए यहां तक कहीं पहुंचा होगा, और बी जो है बी इधर से आ रहा है और बी यहां तक पहुंचा होगा। ए यहां से यहां पहुंच गया, ये सी स्थान है जहां पे दोनों मिले हैं। तो बोलो ए इधर की तरफ चला और यहां से यहां तक पहुंच गया बच्चों, बी इधर से इधर की तरफ चला, दोनों यहां के यहां इस स्थान पर मिले। तो अब जब ए ने चलना शुरू किया है उसी समय बी ने चलना शुरू किया है, और जब तक दोनों मिले नहीं तब तक दोनों चलते रहे। फिर से सुनो, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया और जब तक दोनों मिले नहीं तब तक दोनों चलते रहे। तो बोलो हम क्या कहेंगे बच्चों, दोनों के चलने का समय फिक्स है और किसका रेशियो बन रहा है बोलो, चाल दी गई है। तो बोलो बच्चों किसका रेशियो बन रहा है, चाल का। समय फिक्स है और चाल का रेशियो क्या बन रहा है बोलो, 1:70 है, 1:60 है, तो चाल का रेशियो 7:6 बन रहा है, चाल का रेशियो 7:6 बन रहा है। अब बताओ बच्चों, समय फिक्स है, चाल का रेशियो 7:6 का बन रहा है, तो कल क्या बताया गया था, अगर समय फिक्स है तो जो चाल होगा वही दूरी होगी, जो चाल होगा वही दूरी होगी, जो दूरी है वही याद है ना बच्चों कल। तो बोलो क्या कहोगे, ये वाली दूरी, ये जो चाल का रेशियो 7:6 है वही दूरी का होगा, तो दूरी का रेशियो भी 7:6 होगा। तो अब बोलो बच्चों ये वाली दूरी कितनी होगी बोलो, 7 होगी,
तो ये वाली दूरी कितनी होगी, बोलो 6 होगी। अब बांट लो कुल दूरी कितनी है, ये क्या है, कुछ ये चलेगा बच्चों कुछ ये चलेगा, तो दोनों मिल करके कितना चलेंगे, बस यहीं पे ध्यान देना कि एक बार दोनों को जोड़ा जाएगा और अगले सवाल में घटाया जाएगा। तो क्यों जुड़ रहा है, समझ गए, ये 7 चला ये 6 चला, दोनों मिल करके कितना चले, ये दोनों मिल करके चले ना बच्चों, तो दोनों मिल करके कितना चले बताओ, 13। तो क्या कहोगे बोलो, 13 बराबर 650, तो 1 बराबर 50, तो 7 बराबर 350, तो 6 बराबर 300। ठीक बच्चों, ए स्थान से दूरी पूछेगा तो आंसर हो गया 350, और अगर बी स्थान से पूछता तो आंसर हो जाता 300। ठीक ना, क्या कहा गया, दोनों एक साथ चले हैं, जब तक दोनों मिले नहीं तब तक चलते रहे, तो बोलो बच्चों चलने का समय फिक्स है। दूसरी बात, चाल का रेशियो क्या बन रहा है, बोलो 70-60, यानी 7-6, चाल का रेशियो 7-6 बन रहा है। अब अगर समय फिक्स है तो जो चाल है वही दूरी होगा, कल बताया गया था बच्चों, तो दूरी का रेशियो भी क्या हो गया, 7-6। अब ये 7 चलेगा तो ये 6 चलेगा, कुछ ये चलेगा कुछ ये चलेगा, दोनों मिल के कितना चलेंगे बच्चों, 650। तो ये 650 दूरी का योग है, सम है, तो 650 किसका क्या है बताओ, 7 और 6 13, 13 बराबर 650, तो 1 बराबर 50, तो 7 बराबर 300, तो 6 बराबर 7 बराबर 350, तो 6 बराबर 300। सबको समझ आ गया बच्चों, ये एक सवाल हो गया, अगले सवाल में आओ। अगले क्वेश्चन में आओ, ए और बी एक स्थान से, एक स्थान 120 के, ए और बी, हाँ अब देखो बच्चों, ए व बी एक दूसरे से 120 दूरी पर हैं, ए स्थान से एक आदमी 45 की चाल से बी स्थान पर बैठे आदमी का पीछा करता है जो 35 की चाल से चल रहा है, दोनों दोनों ए व बी स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब बताओ पिछले सवाल और इसमें क्या अंतर है बच्चों, पिछले सवाल और इसमें क्या अंतर है, पिछले वाले में वो एक दूसरे की तरफ चल रहे थे और यहाँ पे एक दूसरे को दौड़ा रहा है, अब दो ही सवाल बनते हैं, तो ये वाला सवाल ध्यान समझना, तो ध्यान देना बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, 7 और 6 13, 13 बराबर 650, या तो जोड़ेंगे और या घटाएंगे, पिछली बार जोड़ा गया था अब घटाएंगे, क्यों समझते हैं, तो देखो क्या है, बोलो ए और बी स्थान के बीच की दूरी 120 है, ए की चाल 45 है, बी की चाल 35 है, तो अगले पेज में समझो बच्चों। हाँ तो ध्यान देना बच्चों, ये है ए और बी दो स्थान हैं, ए और बी दो स्थान हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है बताओ, 120 है, ए और बी दो स्थान हैं, इनके बीच की दूरी 120 है, ये कहा गया, और एक आदमी ए और एक आदमी बी दोनों की चाल कितनी कितनी है बच्चों, एक की 45 है दूसरे की 35 है, तो एक 45 की चाल से चल रहा है और दूसरा 35 की चाल से भाग रहा है, एक 45 की चाल से चल रहा है और दूसरा 35 की चाल से भाग रहा है। अब तुमसे पूछ रहा है कि वो ए स्थान से या बी स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे, मिले कहाँ ये बताना है बेटा। इसमें एक सवाल और बनेगा जो हमने कल वाली क्लास में बताया था, अगर पूछा जाए तुमसे, ध्यान देना बच्चों, कल वाली क्लास में क्या बताया गया था कि वे कितने घंटे में, अगर ये पूछे तुमसे कि ये इसे कितनी देर में पकड़ लेगा, याद है ना, कल को बताया गया था ये इसे अलग अलग स्थानों से मूवमेंट वाला सवाल, तो बोलो बच्चों ये इसे कितनी देर में पकड़ लेगा, अगर ये कहा जाए तो एक घंटे में कितना ओवरटेक करेगा, कितना आगे जाएगा, 10 किलोमीटर, तो कितनी देर, एक ही डायरेक्शन है ना बच्चों, तो घटाया जाएगा, तो 10 कितनी देर में ओवरटेक कर लेगा, 12 घंटे में, ना वो तरीका जो है वो सवाल कौन सा था, कितनी देर बाद मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि ये जो मिले हैं वह स्थान की ए से दूरी क्या है और बी से दूरी क्या है, ये सवाल है। ठीक बच्चों, तो आप देखो इसमें जो है ये सवाल क्यों रेशियो से सॉल्व हो जाएगा, बोलो ये सवाल क्यों रेशियो से सॉल्व हो जाएगा, कि जब दोनों, जब 120 किलोमीटर की दूरी पहले से थे बच्चों,
जब ए ने दौड़ाना शुरू किया है उसी समय पे बी ने भागना शुरू किया है, जब ए ने दौड़ाना शुरू किया है उसी समय पर बी ने भागना शुरू किया है। जितनी देर में बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, बच्चों बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, उतनी देर में ए यहाँ पहुँच गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की चाल अलग अलग है ना। तो बोलो बच्चों, जितनी देर में बी यहाँ से यहाँ पहुँचा उतनी ही देर में, उतने ही समय में ए उतनी दूरी चला। तो बोलो क्या कहोगे बच्चों? समय फिक्स है, समय फिक्स है। उसके अलावा किसका रेशियो बन रहा है? बोलो चाल का रेशियो बन रहा है। क्या बन रहा है बोलो बच्चों? 45 और 35 यानी क्या? 9 और 7 का। तो चाल का रेशियो बन रहा है। अब बोलो बच्चों, यहाँ पर समय फिक्स है, चाल का रेशियो बन रहा है और तुमसे जो है यहाँ पर दूरी पूछी जा रही है, तो समय फिक्स होने पर जो चाल होगा वही क्या होगा बच्चों? दूरी होगा। तो दूरी का रेशियो भी क्या हो जाएगा बोलो? 9 और 7 हो गया। तो यहाँ तक तो पिछले सवाल जैसा हो गया। अच्छा बोलो बच्चों, यहाँ तक तो पिछले सवाल जैसा हो गया। अब इस सवाल में नया क्या है? इस सवाल में तो पिछले सवाल में वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। तो बोलो बच्चों, कुछ ये चलेगा। तो हमने पिछले सवाल में क्या किया? जोड़ा है ना, 13 बराबर किया गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये दूरी का रेशियो हुआ। तो बोलो बच्चों, ये दूरी कितनी है बताओ? 9 है, दूरी का रेशियो 9:7 आया। तो ये वाली दूरी 9 है बच्चों, तो ये वाली दूरी कितनी है बताओ? 7 है। अब बताओ, ये दूरी 9 है, यहां से पूरी यहां तक की दूरी 9 है, और ये वाली दूरी कितनी है बच्चों? 7 है। तो ये जो दूरी हुई ये क्या हुई बताओ? ये 9 है और ये 7 है। ये 9 है बचपन का सवाल और ये 7 है। तो अब कोई कहे कि ये कितना है? तो 9 में से 7 हटाओगे ना, समझ गए ना? तो ये इसीलिए यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? घटाएंगे। ये 9 चला बच्चों और ये 7 चला, तो यहाँ पर दूरी का अंतर कितना हो गया बताओ? पिछले में योग किया था, अपोजिट चलेंगे तो जुड़ रहे थे, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अंतर कितना है? 2 अंतर है। और बोलो बच्चों, यहाँ से ये जब इसको पकड़ेगा तो इसको इसकी तुलना में, ये जब इसे पकड़ेगा तो इसको इसकी तुलना में कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा? 120 पीछे है ना ये, तो ये जब इसकी तुलना में 120 ज़्यादा चलेगा तभी पकड़ पाएगा इसे। तो क्या कहोगे बोलो? अंतर 2 बराबर कितना है बच्चों? 120, 2 बराबर 120, तो 1 बराबर 60, तो 9 बराबर 540, तो 7 बराबर 420। सबको समझ में आया बच्चों? फिर से सुन लो, समय फिक्स है, जब ये चला एक साथ चले दोनों, चाल कितना कितना है? 9 और 7 का। तो अब बोलो बच्चों, जो समय है, समय अगर फिक्स है तो जो चाल है वही दूरी होगा, तो दूरी का भी रेशियो क्या गया? 9 और 7 का। अंतर कितना है दूरी का बोलो? 2 है। 2 बराबर कितना है बच्चों? 120 है, तो 1 बराबर कितना हुआ? 60, तो 9 बराबर कितना हुआ? तो 540, तो 7 बराबर कितना हुआ? 420। अब अगर पूछता है तुमसे वह स्थान ए से कितनी दूरी पर था, तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो? 540। और अगर पूछता है कि वह स्थान बी से कितनी दूरी पर था, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 420। तभी तो देखो इन दोनों का अंतर 120 है, समझ गए? तो बोलो दो सवाल बनेंगे, कौन कौन से बच्चों? अलग अलग स्थानों से। पिछले जो कल वाली क्लास में जो बताया गया था उसमें भी यही सवाल बताया गया था, बस उसमें समय ने पूछा था, है ना? तो वो सवाल में बेसिक तरीका ही लग जाएगा, उस तरीके से अगर इसको सॉल्व करोगे तो टाइम बर्बाद होगा, तो ये वाला सवाल रेशियो सॉल्व करो, ठीक है ना? दो सवाल बनते हैं, अगर अपोजिट चलेंगे, जल्दी से कंपेयर कर लो बच्चों, अगर अपोजिट चल रहे थे तो ये 7 चल रहा था, तो ये 6 चल रहा था, तो और ये दूरी 650 थी बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पर ये 7 और 6, तो ये दूरी कितनी हुई बताओ? 13, तो 13 से कंपेयर किया गया, जोड़ा गया। और यहाँ पे क्या था बोलो? इस वाले में जो अभी वाले सवाल में क्या था कि पीछा कर रहा था, तो अब बोलो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी? ये पूरी दूरी 9 होगी, तो ये पूरी दूरी कितनी है? 7 है,
तो ये क्या है बताओ, उनका अंतर है, तो अंतर दो है, दो बराबर 120 है, तो 1 बराबर 60 हुआ, तो 9 बराबर, तो 7 बराबर। सबको समझ आए बच्चों? ठीक है, दो सवाल बनते हैं, अपोजिट या फिर एक ही डायरेक्शन। इसके आगे चलो, नौवां सवाल। अब ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो इसको जो है, इसमें तुम अगर रेशियो यूज करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा बच्चों, बहुत ज्यादा फायदा होगा, और नहीं तो ये सवाल जो है बहुत आया हुआ सवाल है, ये अभी भी पेपरों में मिलता है, ये है ना, इसमें जो है रीजनिंग तक में आता है। SSC जब कोई सवाल बहुत ज्यादा पूछ लेता है तब फिर से रीजनिंग में पूछने लगता है तुम्हें ये सवाल को, है ना। एक ट्रेन जब बिना रुके चलती है तब उसकी चाल 180 होती है, लेकिन जब वह रुक रुक कर चलती है तब उसकी चाल, तब वह 1 घंटे में 150 चल पाती है, वह 1 घंटे में कितनी देर रुकती है? क्या सवाल है बच्चों? अगर एक गाड़ी बिना रुके चलती है तब कितना चलती है? 180 1 घंटे में, और जब रुक रुक कर चलती है तब कितना चलती है बताओ? 150। अब पूछ रहा वह कितनी देर रुकती है, ये सवाल है। ठीक है, तो तीन तरीके से ये सवाल तुम सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये देख लो, पहला तरीका देखो बच्चों, चाल कितनी है, सामान्य चाल कितनी है बताओ? 180 किलोमीटर पर आवर है ना। तो एक तरीका, पहला तरीका क्या हो गया कि 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से 150 किलोमीटर दूर जाने का समय निकाल लो बच्चों। क्या 180 किलोमीटर की चाल से 150 किलोमीटर जो है दूरी चलने का, दूरी जाने का समय निकाल लो। तो दूरी कितनी है बोलो? 150। किस चाल से चले? अगर 180 की चाल से तो समय कितना लगेगा बोलो? 150 बटे 180 यानी कितना बच्चों? 5/6 घंटे, 5/6 घंटे। अब बताओ 5/6 घंटे का मतलब कितना बच्चों? 50 मिनट, 50 मिनट। तो ये मिसाल हो गया कि अगर 180 की चाल से, सामान्यतः उसकी चाल 180 है, लेकिन अगर बीच में कई बार रुकेगी गाड़ी तब 150 की चाल होती है, तो 180 की चाल से 150 किलोमीटर दूर जाने का समय कितना हो गया? अगर 180 की चाल से लगातार चलता रहता, बोलो बच्चों, अगर 180 की चाल से लगातार चलता रहता तो 150 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता? 5/6 घंटे यानी 50 मिनट लगता है ना। कब लगता? जब 180 की चाल चलता रहता, 50 मिनट लगता। हाँ बताओ बच्चों, अगर 150 किलोमीटर वो 50 मिनट में चल सकता है, अगर 150 किलोमीटर वो 50 मिनट में चल सकता है, तो रुका कितनी देर रहा? 50 हटा दो, 10 मिनट रुका रहा। सबको समझ में आया बच्चों? क्या था बोलो? 180 की चाल से 150 दूरी चलने का समय कितना हो गया बोलो? 5/6 घंटे यानी 50 मिनट। 50 मिनट में ये दूरी चल सकता है। अब अगर 50 मिनट में चल सकता है तो बोलो 60 मिनट कुल समय है, तो कितनी देर रुका रहा बोलो? तो 60 में से 50 हटा दो। एक तरीका ये हो गया। इससे थोड़ा बेहतर तरीका ये होगा कि इस तरह सॉल्व कर लो बच्चों कि 180 चल सकता था, 180 चल सकता था, ठीक, ये मन में सोचना है, 150 चल पाया, 150 चल पाया तो 30 कम चल पाया, 180 चल सकता था, 150 चल पाया तो 30 कम चल पाया, तो 30 चलने के बराबर समय बर्बाद हुआ। तो ये तरीका हो गया, वही तरीका है, इसी काम को बस थोड़ा सोच लेना है तो और आसान लगेगा। 180 चल सकता था, 150 चला तो 30 कम चला, तो 30 चलने के बराबर समय बर्बाद हुआ। तो 180 की चाल है, ये चाल है, और 30 दूरी चलने का समय बर्बाद हुआ। तो 180 की चाल से 30 दूरी चलने का समय कितना हुआ? 30/180 यानी 1/6 घंटे या 10 मिनट। तो एक तरीका ये हो गया। लेकिन इन सभी, 180 चल सकता था, 150 चला,
मन में सोचना है बच्चों, 30 कम चल पाया तो 30 चलने के बराबर समय बर्बाद हुआ। 30 चलने का समय कितना हो गया बोलो, 30 चलने का समय कितना हो गया, ये हो गया एक तरीका और। लेकिन इन सबसे अच्छा है कि इसे रेशियो सॉल्व कर लो, है ना। रेशियो से क्यों, तो बोलो 180 चल सकता था एक घंटे में, 180 चल सकता था एक घंटे में, वो 180 चल सकता था, 180 चल सकता था, लेकिन चला कितना बच्चों, 150। तो बोलो क्या कहोगे, एक घंटे में 180 चल सकता था लेकिन चला कितना बताओ, 150। तो 6 चल सकता था, 6 रेशियो बना लिया, 6-5 बन गया, 6 चल सकता था और चला कितना बच्चों, 5। तो बोलो रुका कितना, 1। रुका कितना बताओ, 1। 6 चल सकता था, चला कितना बताओ, 5। तो रुका कितना बताओ बच्चों, 1। अब पूरा समय कितना है बताओ, पूरा समय अगर 1 घंटे है, कभी 2 घंटे भी पेपर में आया है, 2 घंटे में कितनी देर रुकेगा, 3 घंटे में कितनी देर रुकेगा, चाहे जो सवाल हो सब रेशियो से बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। 6 चल सकता था और चला 5, तो रुका कितना है, 1। अब पूरा समय कितना है, अगर 1 घंटे है तो बोलो पूरा समय 6 बराबर कितना है, 60, तो रुका कितना है, 1। 1 बराबर 10। पूरा समय कितना है, 6, पूरे समय चलता है तो 6 चलता है, 6 बराबर कितना है, 60, तो रुकता कितना समय है बताओ, 1। तो अगर 6 बराबर 60 है तो 1 बराबर 10 हो गया। तो ये इसका बहुत ज़्यादा आसान तरीका हो जाएगा, है ना। बाकी दो तरीका जो अभी बताया गया, ठीक बच्चों। तो ये हुआ आज में जो है, आज की क्लास में हम लोग इतने क्वेश्चन रखते हैं और उसके बाद फिर कल, अभी रेशियो खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी तो 2 क्लास हुई है इस पर, फिर जो है इसमें हम और अभी सवाल जो बचे हैं, अभी इसमें कई टाइप बचा है सवाल का, तो 2 टर्न अभी और लगेगा, तब जाके रेशियो के कॉन्सेप्ट पे होने वाले क्वेश्चन होंगे। फिर 1 टर्न लगेगा रेशियो से न होने वाले क्वेश्चन, है ना, पूरी बात समझाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का वो पार्ट जो रेशियो सॉल्व हो रहा है वो, फिर 4 टर्न में वो बताएंगे, फिर 1 टर्न में वो वाले क्वेश्चन बताएंगे जो रेशियो सॉल्व नहीं होंगे। तो क्यों नहीं सॉल्व होंगे, जब वो समझ लोगे ना तब और अच्छे से बात समझ आएगी कि यहाँ पे क्यों सॉल्व हो रहे थे, वो क्यों नहीं सॉल्व हुए, है ना, ये पार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ अलग से क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई फार्मूला डिराइव करना होता है, तो 7-8 तरह के क्वेश्चन है, बंदर वाला सवाल जो होता है, इस तरह के जो स्पेशल सवाल है वो 2 टर्म तक चलेंगे। और फिर जो है तुम्हें इतने में मतलब उसके बाद जो तुम्हें पीडीएफ दिया जाएगा उसके सवाल जो पूछना होगा पूरे सॉल्व होंगे, फिर भी जो तुम्हें पूछना होगा वो तुम पूछ लेना, है ना। तो इस तरह से टाइम एंड डिस्टेंस होगा। फिर उसके बाद बच्चों, फिर उसके बाद जो है अभी टाइम एंड डिस्टेंस के बाद फिर ट्रेन और बोट में ऐसे ही 3-4 टर्न तक ट्रेन और बोट रहेगा, मतलब उसके बाद फिर रेस इसमें एक पार्ट है, बड़ा टॉपिक है ये, तो तब जाके रेस भी 2-3 टर्न ले जाएगा। तो इस तरह से हर पार्ट अलग अलग जो है बताएंगे, और पीडीएफ जो है तुम्हें 2-3 दिन के अंदर ही जो है टाइम एंड डिस्टेंस का मिल जाएगा, और पम्पोटेशन चल रहा है तो पम्पोटेशन का मिल जाएगा, और जो है कम्बिनेशन अब शाम को शुरू करेंगे, ठीक बच्चों। एक करेक्शन जो तो हमने बता दिया है, कीड़े वाले सवाल में मिनट की जगह किलोमीटर कर लेना, और जो है पीडीएफ हम डाउनलोड कर लेंगे लेकिन उसकी व्यवस्था थोड़ी सी और अच्छी करके तब, ठीक बच्चों। तो 1-2 दिन में, बाकी तब तक तुम ये पढ़ो। तो आज इतना ही रखते हैं।